हेलो दोस्तों, स्पोर्ट्स नाउ पे आपका स्वागत है। बात करेंगे आईपीएल रिटेंशन से जुड़ी खबर को लेकर, और ये खबर जो है वो मुंबई इंडियंस से है। मुंबई इंडियंस की टीम की बात करें तो मुंबई इंडियंस ने अपने 5 कैप प्लेयर रिटेन किए हैं, और इस कैप्ड प्लेयरों में मुंबई इंडियंस ने स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को रिटेन नहीं किया। ईशान की जगह तिलक वर्मा को टीम ने शामिल किया। ईशान किशन अब ऑक्शन टेबल पर जाएंगे और उनके लिए बिडिंग होगी। आपको बता दें, मुंबई के पास अभी आरटीएम कार्ड है, लेकिन वो आरटीएम का ऑप्शन ईशान किशन के लिए नहीं होगा, जिसके पीछे की वजह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें, जो आईपीएल में रिटेन करने का नियम था, इसमें अधिकतम 6 खिलाड़ी एक टीम रिटेन कर सकती थी, और इस 6 खिलाड़ियों में आरटीएम भी मौजूद है, यानी कि आरटीएम के तहत भी जो खिलाड़ी आता वो भी इन 6 में शामिल होता। और मुंबई इंडियंस की बात करें तो मुंबई इंडियंस ने 6 में से 5 खिलाड़ी रिटेन कर लिए हैं, और 5 के 5 कैप्ड प्लेयर हैं। आईपीएल रूल कहता है कि 6 में से आप अधिकतम 5 कैप्ड प्लेयर ही रिटेन कर सकते हैं और 2 अनकैप्ड प्लेयर। लेकिन मुंबई इंडियंस की बात करें तो मुंबई इंडियंस ने अपने 6 में से 5 कैप्ड प्लेयर रिटेन कर लिए हैं, और उनके पास आरटीएम का ऑप्शन है, लेकिन वो आरटीएम का ऑप्शन किसी अनकैप्ड खिलाड़ी पर ही अब यूज होगा, क्योंकि जो अधिकतम कैप्ड प्लेयर की लिस्ट थी वो मुंबई इंडियंस ने भर ली है। ऐसे में ईशान किशन भी कैप्ड प्लेयर हैं, और वो अब आरटीएम के तहत रिटेन नहीं किए जा सकते। मुंबई इंडियंस अगर ईशान किशन को वापस टीम में शामिल करना चाहती है तो उनके लिए ऑक्शन टेबल पर लड़ाई लड़नी होगी। मुंबई इंडियंस बिडिंग करेगी, और उस बिडिंग में अगर मुंबई जीत जाती है तो ईशान किशन फिर एक बार मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए दिखेंगे। वही मुंबई इंडियंस के आरटीएम वाले ऑप्शन की बात करें तो वो अब किसी अनकैप्ड प्लेयर पे ही यूज होगा, जिसमें आप देखें मुंबई इंडियंस या तो निहाल वडेरा या तो अंशुल कंबोज के लिए आरटीएम कार्ड यूज कर सकती है। ईशान किशन की बात करें तो ईशान किशन का जिस तरह का हालिया प्रदर्शन है उसे देखते हुए मुंबई इंडियंस की टीम ने ये बड़ा फैसला लिया है, और 5 कैप्ड प्लेयर में सूर्य कुमार यादव है, रोहित शर्मा है, जसप्रीत बुमराह है, हार्दिक पांड्या है, और तिलक वर्मा ईशान किशन से जीत गए, यानी कि तिलक वर्मा पे टीम ने ज्यादा भरोसा किया और ईशान किशन पर भरोसा ना करते हुए उन्होंने उनको रिलीज कर दिया। और मुंबई इंडियंस को ये बात भी पता थी कि हम ईशान किशन को अब आरटीएम के तहत नहीं ले सकते, फिर भी मुंबई इंडियंस ने ईशान को रिलीज किया, जिसके पीछे की वजह उनके साथ जो चीजें चल रही हैं वो भारतीय टीम से बाहर है। और विकेट कीपर के तौर पे भी देखिए, इस ऑक्शन टेबल में बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो मुंबई इंडियंस को मिल सकते हैं। केएल राहुल विकेट कीपर के ऑप्शन है, ऋषभ पंत आपको मिल जाएंगे विकेट कीपर के ऑप्शन में। ऐसे में मुंबई इंडियंस ने ये दाव खेला कि भाई अगर हमें ईशान के लिए बिडिंग भी करनी पड़ी तो हम ज्यादा पैसों में किसी दूसरे बेहतर विकेट कीपर बल्लेबाज को ले आ सकते हैं, इसीलिए ईशान किशन को रिलीज कर दिया गया, क्योंकि ईशान किशन भी 10 करोड़ से ऊपर के खिलाड़ी थे। जो ऑक्शन हुआ था, पिछले जो ऑक्शन थे उसमें ईशान किशन भी 10 करोड़ से ऊपर में बिके थे। ऐसे में भारी भरकम अमाउंट में आप देखिए मुंबई इंडियंस को कोई दूसरा विकेट कीपर बल्लेबाज मिल सकता है। इसी वजह से मुंबई ने ये प्लानिंग की और ईशान किशन को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि मेगा ऑक्शन में मुंबई इंडियंस की टीम किस विकेटकीपर बल्लेबाज को टीम में शामिल करती है।